दोस्तों स्वागत है एक और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको 5560 का धमाकेदार सेटअप देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम पहले इस सेटअप के बारे में बता देते हैं। ये सेटअप हमारा दो चीज़ों के बेस पे होने वाला है। दोस्तों आपके लिए ये सेटअप ऐसा होगा आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इस सेटअप की खूबी यह है दोस्तों कि जब जब आपको इस पर ट्रेड मिलेगा ना, तब तब आप ग्रीन में रहोगे, पैसा बनाओगे, दबा के पैसा बनाओगे। जी हाँ, इस पर टारगेट हमको ऐसे वैसे टारगेट नहीं मिलेंगे दोस्तों। ये जो आप हमारी पोजीशन देख रहे होंगे, ये वाली हमने 1:5 का टारगेट लिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इससे ऊपर ट्रेल करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेंगे आपको। हम आपको वो भी सिखाएंगे कि आप इस पर कैसे बड़े प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में होने वाली है दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसने कैसे कैसे काम किया है और कैसे कैसे इसने धमाकेदार ट्रेड दिया। ये एक जगह नहीं, ये हर जगह आपको काम देगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा एस एल और उसके अगेंस्ट हम 5x का टारगेट लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारा एस एल 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट जो हमारा मिनिमम टारगेट होगा वो हमारा 50 पॉइंट का होगा, 5x का होगा पहला टारगेट। दोस्तों ध्यान रखना, ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है जो मार्केट में काम करना चाहते हैं। वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, वो चाहे कोई स्मॉल वर्कर हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला हो, प्राइवेट जॉब करने वाला हो, 9 to 5 या 9 to 12, किसी भी टाइम तक जॉब करने वाला बंदा हो, ये वीडियो उसके लिए होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना। चलिए बताते हैं आपको ये सेटअप। पहले दिखा देता हूँ मैं कैसे इसने हर स्टॉक में काम दिया हमको। और दोस्तों मैं जो भी इसमें पोजिशन दिखाऊँगा वो हमारे 1:5 का टारगेट वाली होगी। उसके अगर आप ट्रेल करते हो तो मैं वो भी बताऊंगा आपको कि आप उस सेटअप पर कैसे ट्रेल कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे हमारा एसएल था 80 पॉइंट के आसपास का और 5x का टारगेट मिनिमम, तो 400 पॉइंट प्लस का टारगेट हो गया। ये आपको देख रहे होगे। और जैसे ट्रेड मिला वैसे ही 3-4 दिन के अंदर अंदर टारगेट हिट। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इस पर टारगेट आपको 5 या 10% तक के मिलेंगे कम से कम। आप सोचो, आपको इतना ज़बरदस्त टारगेट मिलेगा आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। और कम से कम ट्रेडिंग सेशंस में। और इस सेटअप के बाद आपको ये नहीं होगा कि पहले लॉस दिखा रहा है मेरे को एवरेज आउट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपको सेटअप मिलेगा, आपको ट्रेड मिलेगा, वहाँ से आपको ग्रीन मिलेगा। या तो आपका ऐसा होगा 1-2 दिन के अंदर, या अगर आपको 2-3 दिन की कंसोलिडेशन मिलती है उसके बाद आपका टारगेट बहुत ज़बरदस्त बूम होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसने हर जगह काम किया है दोस्तों। यहाँ पे देखो आप, जैसे इसने एंट्री दी उसके बाद देखो आप, टारगेट मैंने बताया आपको दोस्तों 1:5 का टारगेट पहला रखेंगे हम। कम से कम टारगेट हमारा 1:5 का होगा। आप देखो यहाँ पे 100 पॉइंट के आसपास का हमारा एसएल था, तो हमारा टारगेट कम से कम 500 पॉइंट का होगा। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं और भी देखिए, अभी आपको दिखाते हैं इसका कमाल धमाल। आप चौंक जाओगे दोस्तों कि आप बोलोगे ऐसी चीज़ हमें पहले क्यों नहीं मिली। यहाँ पे देखिए 9 पॉइंट का एसएल और कम से कम टारगेट हमारा 45 पॉइंट का। मैंने बता दिया दोस्तों, पहला टारगेट हम 5x का रखेंगे। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, देखो आप देखना, नोटिस करना इस चीज़ को। इसके बाद भी ये कितना ऊपर गया है और कंटिन्यूस चल रहा है। आपको ये सब पकड़ना बताएंगे दोस्तों, आप लंबा टारगेट कैसे ले सकोगे। बट ये हमने जो पोजिशन दिखा रखी है, ये हमने पहले इनिशियल टारगेट पर जो हमारा 1:5 का होगा उसके बेस पर दिखा रखी है। आप इसमें देखिए, ये ब्रिटेना हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए, ये देखो दोस्तों 4 ट्रेडिंग के सेशन के अंदर 5 के कितना सा एसएल, 40 पॉइंट का एसएल और 200+ पॉइंट का टारगेट, और सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन में। और उसके बाद में अगर आप ट्रेल करते हो तो ये देखो दोस्तों कितने पॉइंट बैठते हैं। आप यहाँ पे देखो, अगर कंटिन्यूसली है दोस्तों बिना लॉस दिखाए, ये देखो 800 पॉइंट का टारगेट सिर्फ 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट। एनटीपीसी में चलते हैं। ये देखो आप दोस्तों कितने पॉइंट का एसएल था, 11 पॉइंट का एसएल, 55 पॉइंट का टारगेट, स्ट्रेट मूव। अभी की बात है, नवंबर की, लास्ट मंथ की बात है, सेकंड लास्ट मंथ की। दोस्तों आप चुटकी बजाओगे और पैसा कमाओगे। अभी बताते हैं आपको सेटअप क्या है हमारा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे सेटअप की। हमारा सेटअप होने वाला है दोस्तों दो चीज़ों के बेस पे। पहला होगा हमारा मूविंग एवरेज और दूसरा होगा हमारा RSI। सिंपल, कुछ नहीं करना है, बैठना है, आराम से वॉच करना है। आपको बस मेहनत लगेगी थोड़ी सी, कि आपको पहले स्टडी करके रखनी है, चार्ट्स निकाल के रखने हैं। जिस दिन आपको एंट्री मिलेगी उस दिन कमाल धमाल कर देना है। एंट्री लेके स्टॉप लॉस बैठ जाना है, लेके अपना हमारा ये स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस भी साथ साथ ट्रेल होता चला जाएगा दोस्तों। स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टारगेट में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, टारगेट भी और स्टॉप लॉस भी आपको ट्रेल करने की, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लियर कट दिखेगा कि आपको कहाँ पे टारगेट बुक करना है और कहाँ पे आपको लॉस बुक करना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमारा कौन सा एम में होने वाला है। हम इंडिकेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे हम पहले RSI को सर्च करते हैं और उसके बाद करते हैं हम हमारे मूविंग एवरेज को। ये हमारा मूविंग एवरेज आ गया दोस्तों, सिंपल मूविंग एवरेज लेंगे, कोई ये नहीं लेंगे कि अलग से लेना है हमको। इसको हमें मूविंग एवरेज की सेटिंग रखनी है दोस्तों, जो लेंथ रहेगी हमारी वो रहेगी 55, ध्यान से सुनना, और सोर्स रखेंगे हम क्लोज। कई बार ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, तो हम यहाँ पे क्लोज रखेंगे और 55 लेंथ रहेगी हमारी। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, ये हमने कलर कर दिया चेंज, ओके, ये हमने कर दिया ओके। ये हमारा 55 एम में, यानी कि 55, समझना दोस्तों, नाम भी हमारी स्ट्रेटजी का इसी हिसाब से है 55-60। और दोस्तों ये 55-60 का बहुत बड़ा लॉजिक है, किसी दिन आराम से समझाएंगे आपको, ठीक है। और ये हमारा RSI हो गया, इसकी सेटिंग में बताता हूँ क्या करनी है। इसको हमें कुछ नहीं छेड़ना है, जैसे है जो का तो रहने देना है और कुछ नहीं छेड़ना है। बस यहाँ पर क्या करना है, हमको मिडल लाइन नहीं चाहिए, हमको लोअर लाइन नहीं चाहिए, हम अपर लिमिट में जाएंगे, इसको हम कर देंगे 60, समझे दोस्तों, 55-60। ये मैटर था वो 55-60 का। आप इसको लाइन को कर देंगे क्लियर, और मैं इसका कलर थोड़ा सा कर देता हूँ जिससे हमें देखने में आसानी हो, इसको कर देंगे बोल्ड। ये हमारा हो गया RSI अप्लाई, ठीक है। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे हमारी पोजीशन लगी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, लो। अब देखो आप समझना दोस्तों, लॉजिक समझना, टारगेट समझना, एसएल समझना, सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर कट समझ में आएगा आपको दोस्तों। हमको करना क्या है दोस्तों, हमको चार्ट्स निकालने हैं, चार्ट्स वो निकालने हैं जिन पे हमको हमारा प्राइस है वो 55 एम ए के अबव होना चाहिए, ठीक है, हमारा प्राइस 55 एम ए के अबव होना चाहिए। और RSI में जो हमने 60 की लाइन की ड्रॉ की है, ठीक है, ये जो हमने 60 की लाइन ड्रॉ की है, RSI इसको निकालता हुआ होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, RSI में 60 की लाइन निकल रही हो और मूविंग एवरेज हमारा 55 का है जो, वो हमें क्या करता हुआ दिखना चाहिए, प्राइस हमारा उसके अबव होना चाहिए। और परफेक्ट एंट्री कहाँ पे बनेगी दोस्तों, मैं परफेक्ट एंट्री क्या ही बताऊंगा आपको, कोई ऐसी आपको जो ढीली पिली एंट्री होगी हम उसको नहीं बताएंगे। आपको करनी है टाइट एंट्री। टाइट एंट्री करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा, और अगर आप कोई भी ढीली सी एंट्री करोगे, कोई भी आप ये करोगे कि हाँ चलो मिल रहा है मेरे को ले लेता हूँ, जी नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ टाइट एंट्री करनी है। टाइट एंट्री का बेनिफिट ये रहेगा दोस्तों, आपको एसएल बहुत छोटा मिलेगा, जो हमारा एसएल होगा वो बहुत छोटा होगा। और टारगेट आपको बता दिया दोस्तों, पहला टारगेट हमारा 1:5 का होगा, एसएल 15 का, तो टारगेट 75 पॉइंट का होगा दोस्तों, समझना। अगर हमारा एसएल 10 पॉइंट का है तो टारगेट हमारा 50 पॉइंट का होगा। अगर हमारा एसएल 100 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट 500 पॉइंट का होगा। ये हमारा पहला इनिशियल टारगेट रहेगा दोस्तों, समझना। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको एंट्री हमेशा पिन पॉइंट पे और टाइट तरीके से करनी है। आपको ये नहीं देखना है, आपको लालच में नहीं जाना है कि ऐसे आपको बहुत एंट्री मिलेगी बफर कि RSI यहाँ पे निकला और प्राइस यहाँ पे है। आप देखो, अगर RSI यहाँ पे निकला, इस कैंडल पे देखो आप, RSI और प्राइस मूविंग एवरेज बहुत ऊपर है। आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल पे प्राइस कितना ऊपर है, और एसएल हमारा क्या रहेगा। अगर हमारी कैंडल है जिसने हमें मूविंग एवरेज में पहले नीचे से जाके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है, तो हम उस पर एंटर करेंगे, तो एसएल हमारा रहेगा कैंडल के लो का। और अगर कैंडल पहले ही अबव है तो हम एसएल रखेंगे दोस्तों इसके बिलो क्लोजिंग का, सिंपल, ठीक है। उसमें कोई वो नहीं है, आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं। आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पे देखोगे, जैसे इसने RSI ने अबव क्लोजिंग दी, ठीक है, RSI ने भी क्लोजिंग दी और हमारे मूविंग एवरेज पे भी हमें प्राइस अप मिल गया। मूविंग एवरेज के अबव हमारा प्राइस था, RSI ने हमें 60 के अबव क्लोजिंग दी। हमको करना क्या है, सिंपली हमको पोजिशन लगानी है अपनी, और हम बैठना है। एसएल डिफाइन हो गया हमारा, एसएल हमारा ये देखो कैंडल के लो का, और कैंडल के लो का एसएल होगा छोटा सा, और टारगेट हमारा 55 पॉइंट का होगा। यहाँ पे 10-11 पॉइंट का एसएल है, तो हम 50-55 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कैसे हमने टारगेट और एसएल डिफाइन किया है, सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि सर ऐसे तो अगर एसएल पहले हो गया, आपने पोजीशन का टारगेट तो डिफाइन कर दिया, पर अगर एसएल हो गया तो जी नहीं दोस्तों, आपको एसएल भी मान के चलना है। देखो मार्केट सुप्रीम है, एसएल और टारगेट दोनों होंगे, ये नहीं है कि आपको हर बार टारगेट मिलेगा। बट इस बात को ध्यान रखना कि एसएल जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा, माइनर सा होगा, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा हमारा। वहाँ पे टारगेट जो होगा वो हमारा बड़ा होगा, और हम उस टारगेट को कैसे लेंगे आप वो सिंपल वे में समझ रहे होंगे दोस्तों। आपको यहाँ समझना होगा कि हमने ये एंट्री बनाई, ये हमारा रिस्क पता चल गया हमें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिस्क कितना है, 10 पॉइंट का, सिंपल। अगर 10 पॉइंट नहीं है तो मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट का, उसी हिसाब से आप ट्रेड करो। ट्रेड किया हमने, हम बैठ गए ट्रेड में। अब आपको होल्ड कब करना है? अब आप बोलोगे सर ये तो वन शॉट चला गया, इस वजह से आप बोल रहे हो कि हमारा टारगेट हो गया। अगर ये यहाँ पे कोई क्लोजिंग करता, यहाँ पे क्लोजिंग करता, तो दोस्तों ये जो हमारे मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, ये हमारा एसएल को भी ट्रेल करते जा रहा है दोस्तों, समझना। जब कैंडल यहाँ पे थी तो हमारा, जब एंट्री हमारी यहाँ पे थी तो हमारा एसएल यहाँ पे था, क्योंकि मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे था। जैसे ही कैंडल यहाँ गई, मूविंग एवरेज यहाँ पे गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ट्रेल। फिर हम कहाँ पे लाए एसएल अपना, मूविंग एवरेज के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे गया हमारा प्राइस, फिर हमारा एसएल ले आए अपना यहाँ पे। जैसे ही हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पे गया, फिर हम एसएल ले आए अपना यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पे गया, हम एसएल को ले आए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को समझना होगा आपको। जैसे जैसे आपका मूविंग एवरेज अपसाइड मूव करता चला जाएगा, आप अपने एसएल को भी ट्रेल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना, आप अपने एसएल को भी ट्रेल करेंगे, प्रॉफिट को बड़ा करेंगे, प्रॉफिट को सेव करते चलेंगे। वहाँ पे हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा दोस्तों, हमारा प्रॉफिट कहीं नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे जैसे आपका मूविंग एवरेज अपसाइड मूव करता चला जाएगा, हमारा एसएल भी उसके साथ साथ अपसाइड चला जाएगा, टारगेट भी साथ साथ मूव करेगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे, हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एक सेकेंड, हमारा क्या था एसएल, क्या था हमारा यहाँ पे एसएल था हमारा 40 पॉइंट का, और 200 पॉइंट का कम से कम टारगेट था हमारा दोस्तों। और ये हमारा 3 से 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मिल गया। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी टारगेट मिल जाएगा, बट हाँ अगर आप पेशेंस के साथ बैठोगे तो आप वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉइंट निकाल पाओगे दोस्तों। सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, मैं बता देता हूँ दोबारा, आपको रिपीट कर देता हूँ। मूविंग एवरेज की सेटिंग रखेंगे हम 55, 55, ठीक है। इंग्लिश में बोल देते हैं क्योंकि क्या है ना, फिर कमेंट्स आते हैं कि 55 क्या था, और कुछ को आता है कुछ को आता नहीं समझ में दोस्तों। और RSI की सेटिंग रखेंगे हम 60। RSI की हम सेटिंग कुछ नहीं करेंगे दोस्तों चेंज। हमने यहाँ पे क्या किया, देखो समझो, हमने यहाँ पे सेटिंग नहीं चेंज की दोस्तों। हमने RSI की जो सेटिंग डिफ़ॉल्ट आती है हमने वही रखी, बस हमने क्या किया, हमने मिडल लिमिट को हटा दिया, लोअर लिमिट को हटा दिया, और इसको जो अपर लिमिट थी हमने इसको 60 कर दिया, इसको हमने बोल्ड कर दिया, और थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, बस। और आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों RSI में, ठीक है। 55-60 जो इसका नाम है वो हमने बता दिया आपको, 55-60 का धमाका, और आप इसको यूज़ करोगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि 55-60 कैसे काम करता है। आप अगर लंबे ट्रेड में होल्ड कर रहे हैं, अगर आपको लंबा ट्रेड होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आपने पहला इनिशियल टारगेट 50% बुक कर लिया और बाकी प्रॉफिट को ट्रेल कर रहे हैं, तो आपको एसएल कैसे डिप्लॉय करना है। अगर आप प्राइस वाइज डिप्लॉय करोगे तो आप स्विंग का टारगेट एसएल लगाओगे, और अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से एसएल लगाओगे तो आप इसके बिलो क्लोजिंग का एसएल लगाओगे। जब जब इसके बिलो क्लोजिंग होगी तभी आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो इसके यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका सिस्टम इतना सिंपल है, इतना इजी है, बस आपको चार्ट्स निकालना है। बहुत सारे स्टॉक है, बहुत आप कैश में काम करोगे, अगर आप ऑप्शंस जानते हो कैसे ऑप्शंस काम करना है स्टॉक के, आप वहाँ पे काम कर सकते हो, वहाँ पे इसका बेनिफिट ले सकते हो। बट मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप अगर कैश में काम करोगे तो आप वहाँ पर क्या करोगे कि जो ऑप्शंस की डीके है उससे बच जाओगे, फ्यूचर में रोल ओवर करने से बच जाओगे अगर फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो। दोस्तों कैश बेनिफिट रहेगा कि आप कैश में काम करो। कैश में क्या होगा, आप बेचिंत होकर बैठ जाओगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको कि मुझे निकालना है या मेरा जीरो हो जाएगा, मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। डे बाय डे के एक्सपायरी के आसपास आते आते मेरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, या मंथ के एंड में मुझे फ्यूचर रोल ओवर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको करना क्या है, सिंपली कैश में काम करना है। और दोस्तों इसको बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे करना है, ये तो हमारा क्या बोलते हैं इसको, हमारा शॉर्ट टाइम के लिए वो स्विंग हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि रोल ओवर पे मतलब पोजिशनल कैसे काम करे, पोजिशनल लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको कैसे यूज़ करें, तो वो चीज़ को आपको समझने के लिए कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाएं तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पे कमेंट करना कि आपको ये सेटअप कैसा लगा। 5560 का जो धमाकेदार सेटअप है दोस्तों, ये आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर देने वाला है स्टॉक मार्केट में, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। जी हाँ दोस्तों, लाइफ चेंजिंग सेटअप हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करोगे, सीरियस मोड पे यूज़ करोगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है, आपको बहुत सा कंटेंट आपके लिए आने वाला है 2024 में। दोस्तों आपको हम एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे काम करते हैं, आप ऑफिस के साथ साथ कैसे काम कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।